तुम लोग को कोई भी धमकी अगर देता है कि बंदर बंद करेगा, ये बंदर किसी के बाप का नहीं है, ये गरीब लोग का बंदर है। अगर कोई बोलता है कि बंदर बंद करेगा, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, जो गोडाउन वाला बंदर बंद करने का धमकी देगा, एक दिन बंदर बंद रखा वो लोग ने तो कल उनका गोडाउन खाली करूंगा। महाराष्ट्र का विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं, आपको इतना ही बोल रहा हूँ, एक दिन भी ये लोग ने बंदर बंद रखा ना, दूसरा दिन इनका गोडाउन खाली करके दिखाऊंगा मैं। मैं हूँ पूर्वा शिंदे और आज मैं आप सभी को ससुन डॉग के विषय पर बताना चाहूँगी कि ससुन डॉग पर रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों संख्या में बंजारा समाज, कोली समाज और अन्य जाति के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए ससुन डॉग आते हैं, पर कुछ कारणों से उन्हें तकलीफ हो रही है। इस परेशानी से चलते महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी कब एक वीडियो लोगों के सामने आया है। ससुन डॉग में अन्य समाजों को परेशानियों को लेकर आक्रोश में दिखे राहुल नार्वेकर जी, और उस वीडियो में कहते हुए दिखे कि आपको अगर परेशानी होगी तो मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग को कोई भी धमकी अगर देता है कि बंदर बंद करेगा, ये बंदर किसी के बाप का नहीं है, ये गरीब लोग का बंदर है। अगर कोई बोलता है कि बंदर बंद करेगा, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, जो गोडाउन वाला बंदर बंद करने का धमकी देगा, एक दिन बंदर बंद रखा वो लोग ने तो कल उनका गोडाउन खाली करूंगा। गोडाउन इधर दिया नहीं है कि जाके बंदर बंद करने के लिए, गोडाउन दिया है काम करने के लिए। गरीब लोग को धमकी देकर अगर बंदर बंद करने का बात किया, ये लोग करोड़ों रुपया सारा पब्लिक गवर्नमेंट का भरा नहीं है, इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है खाली करने का, ये खुद का गोडाउन बचाने को देखते है और तुम लोग को धमकी देते है, मोर्चे में आओ, ये करो वो करो। मैं महाराष्ट्र का विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं, आपको इतना ही बोल रहा हूँ, एक दिन भी ये लोग ने बंदर बंद रखा ना, दूसरा दिन इनका गोडाउन खाली करके दिखाऊंगा मैं। इलेक्शन जवा आला की एंटी नाटक चालू होता है, आणि दुसरा हो, वास कसला है तो वास बंदराचा येत नाही। हे लोक ऐका ऐका, हे लोक काय करतात, हा जो आपला कचरा आहे ना, एक मिनिट, हा बंदर सुनो सुनो, ये जो कचरा है, ये कचरे के बारे में बात चल रहा है, ये सुनो, ये जो कचरा है ना, ये कचरा अपन साफ करते हैं, ये कचरा साफ होने के बाद ये लोग गाड़ी में भरते हैं और वो गाड़ी में पानी गलते गलते पूरा मुंबई में लेके जाते हैं। कल इसके ऊपर तुम्हारे बच्चे भी मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, गिर के मर गया तो कौन जिम्मेदार है? वो ये लोग तुम लोग का नाम वापर के, तुम लोग को मिसगाइड करके, तुम लोग को गलत फहमी करवा के दिखाने को देखते हैं कि बास आता है, बास बंदर का नहीं आता है, बास बाहर का। और सुनो, ये लोग तो बीपीडी ने बोला है ये जो कचरा है इसको इधर सुखा के इधर ड्राई करके फिर लेके जाओ, मगर ये लोग खुद का पेट भरने के लिए पूरा मुंबई का नुकसान कर रहे हैं और तुम लोग को धमकी देते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि इधर एक दिन भी बंदर बन रहा तो इनके गोडाउन सब खाली करके दूंगा। और तुम लोग स्मेल का चिंता मत करो, अभी तुम्हारा ये जो खुले में हो रहा है फिलिंग, मैं बीपीडी से पूरा शेड तुम लोग को चलाने के लिए देने वाला हूँ। लखनऊ में 4 युवक ने पुलिस कर्मचारी की पिटाई कर दी और उसी का ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में ऐसे दिख रहा है कि पुलिस कर्मचारी आगे आगे भाग रहा है और उनके पीछे 4 युवक भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनको पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवक उसी पुलिस कर्मचारी को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 4 युवक सड़क पर को हल्ला करते हुए जा रहे थे, तब पुलिस कर्मचारी ने उन्हें रोका, पर ये 4 युवक पुलिस कर्मचारी से ही उलझ गए।